माँ सरस्वती को प्रणाम कर, दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे, उठे नहाए धोए रेडी शेडी हुए, परमात्मा जी को प्रणाम किया, थैंक यू किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सूर्य देवता को जल चढ़ाया और उसके बाद हम बैठ गए पढ़ने। शुरुआत करी एडिटोरियल से और जल्दी बैठ गए, तो ऑफकोर्स क्लास नहीं आती है, तो सबसे पहले जो 2 एडिटोरियल मैंने टेलीग्राम में भेजे थे उन्हीं को रीड किया और टेलीग्राम में अपडेट मैं टाइम टू टाइम दे ही रही हूँ टाइम के साथ, जैसे जो जो वैसे मैं टारगेट डेली कर रही हूँ उन्हीं का। ओके, उसके बाद मैंने एक इंग्लिश का क्विज़ लगाया था, जस्ट बिकॉज RRB PO प्री के या क्लर्क प्री के मॉक लगा रही हूँ उसमें इंग्लिश नहीं होती है एंड IBPS तुरंत बाद आएगा आपका, तो वी हैव टू लाइक डू फोकस ऑन इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन सेक्शन सॉरी। सो उसका अलग से मैंने क्विज़ लगाया, फिर मैंने कंप्यूटर की क्लास लगाई और करंट अफेयर जो मैंने अप्रैल मंथ की रिवाइज़ की थी, बस अप्रैल मंथ हुआ है मेरा और मई मंथ कल से मैं सोच रही हूँ शुरू कर लूँ तो बेटर रहेगा, अब थोड़ा ठीक है तबीयत वगैरह भी, बुखार वगैरह सब सही हो गया है मेरा, और तो कल से प्रॉपर एक और शुरू करते हैं, थोड़ा और एफर्ट्स लगाते हैं, नहीं जो हर बार गलती करती हूँ वो रिपीट नहीं करनी है मुझे। ओके, फिर उसके बाद में एक POP का मॉक लगाया था जो कि मैंने स्मार्ट किडा से लगाया था, स्मार्ट किडा 2024 RRB PO मॉक नंबर 18 लगाया था, जिसमें मेरी परसेंटाइल बनी थी 87% समथिंग। ओके, और मुझे लगता है मैं मैथ्स में कुछ अच्छा कर सकती थी लेकिन मेरी स्पीड लो हो गई थी कुछ, तो आप बोल सकते थोड़ा वीकनेस वगैरह की वजह से या जो भी है, लास्ट में जाते जाते ना एक होता है ना कि ध्यान सा ही डाइवर्ट हो गया था, तो मैंने मैथ्स को दिया भी काफ़ी टाइम, 18-19 मिनट मैथ्स के लिए पढ़े थे लेकिन वो उतने उस वे में अटैम्प्ट नहीं हो पाए, बट इट्स ओके। फिर उसके बाद में मेंस मैथ्स का रीजनिंग किया और दोनों जो मैंने करती हूँ मैं गाइडली PDF से ही करती हूँ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डे, जो जो आज मैंने किया एंड उसके बाद में हम जिम चले गए एंड जस्ट बिकॉज हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट क्रूशियल डेज में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप भी अपना डे शेयर करें, टाटा टेक केयर, बाय।